मेरा नाम आदर्श झा है और मैंने HSC एग्जामिनेशन में 82.6% स्कोर किया है और इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। तो आज मैं आपके अपने टिप्स शेयर करूँगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स। फिजिक्स क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है का, क्योंकि कितने लोग सोचते हैं कि मेमोराइज कर लेंगे हो जाएगा फिजिक्स, नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लेक्चर्स को ध्यान से सुनना और दूसरे लेक्चर से पहले, बाई चांस मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ है तो उसके सेकेंड लेक्चर से पहले फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट मतलब एक्चुअली में जॉइंट रहते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट मिक्स रहते हैं पहले के कॉन्सेप्ट से। और एक एक डेरिवेशन को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है कि उससे क्या होता है कि लगता है बच्चों की हाँ कि रोटेशनल का एक डेरिवेशन आएगा और मैं कर लूँगा, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता, आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ्स तो एक ही चीज़ है उसमें, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है ना काफ़ी वास्ट है कंपेयर टू दूसरे सब्जेक्ट्स। तो उसमें क्या करना पड़ता है आपका मतलब एक एक चैप्टर जैसे कि कैलकुलस, मुझे थोड़ा कैलकुलस पर्सनली मुझे थोड़ा टफ लग रहा था तो स्टार्टिंग में, तो मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया सर के कहने से, सर का टिप्स लिया मैंने और उससे मेरा क्या हुआ कि कैलकुलस इम्प्रूव हो गया और फाइनली मेरे HSC एग्जाम में मैथ्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। और केमिस्ट्री को थोड़ा पर्सनली मुझे ऑर्गेनिक भी मुझे थोड़ा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में थोड़ा टफ लग रहा था। इनिशियली तो अच्छा लग रहा था लेकिन जैसे जैसे रिएक्शंस बढ़ते गए थोड़ा टफ हो रहा था, तो मैंने मैम से कंसल्ट किया और फिर मैम ने कहा कि आपको रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शंस बढ़ते जाते हैं बच्चे पीछे के रिएक्शंस भूलते जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो केमिस्ट्री में कि बच्चे क्या करते हैं जो पॉलीमर्स और ग्रीन केमिस्ट्री उनको लाइटली लेते कि यहाँ से तो 2-3 मार्क्स का है, उससे क्या हमें बड़े चैप्टर्स को दे, एक्चुअली में आपको बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और तीसरा बायोलॉजी पर्सनली आपको दो ही चीज़ काम करेंगे, एक है कि लेक्चर्स में ध्यान दें अच्छे से और जो सर मतलब जो सर बता रहे इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको नोट डाउन कर लीजिए कि, और फिर उनको जाके घर पे टेक्स्ट बुक में ढूंढने और उसको हाईलाइट कर ले, कि बायोलॉजी में MCQs जो है बीच में से ही आते हैं और कहीं से और अपने टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। बस ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।